दोनों जमातों की लीडरशिप आपस में रास्ते में है और ऑब्वियसली हम अलायंस की तो बात नहीं कर रहे कि कोई फ्यूचर हमारा अलायंस होगा। दोनों जमातें अपने अपने मौक पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, लेकिन जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो तहरीक की बात करें या अपोजिशन की कोई एपीसी की बात करें, इन हाउस अपोज करने की बात करें, उस पर तो दोनों जमातें मुत्तफिक हैं, बल्कि दीगर जमातें भी मुत्तफिक हैं। जो पब्लिक इश्यूज हैं, पब्लिक इश्यूज जो हैं वो इनका भी कंसर्न है, हमारा भी कंसर्न है, और इसीलिए क्योंकि इस दो साल की जो कारकर्दगी है कौम के सामने, कौम तो बहुत मायूस है। और आप ये देखें इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे शुगर प्राइसेस 100 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर जाएं और आटा भी कोई 70-75 रुपये किलो पे चला जाए, तो फिर तनख्वाहदार सबका और मेहनत कश कैसे जिंदगी गुजारेगा। इन इश्यूज पे तो हमारा मौका इकट्ठा है और हम समझते हैं कि अब इसका हल यही है कि इस हुकूमत से निजात हासिल।